हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर का सेकंड टॉप वाला वेरिएंट आप लोगों को दिखाने वाला हूं मैं। जी हां दोस्तों, ये है इसका जी वेरिएंट। जी वेरिएंट में आप लोगों का क्या क्या फीचर मिलते हैं, टॉप से एक नीचे वाला वेरियंट है ये। बाय द वे, अगर आप लोग इसका बेस वेरियंट, सेकेंड बेस वेरियंट, टॉप वेरियंट भी देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सारे वेरियंट डाले हुए मैंने इसके। आज मैं आप लोगों को सेकंड टॉप दिखाने वाला हूँ, टॉप से जस्ट एक नीचे। इसमें आप लोगों का क्या क्या मिलता है फुल डिटेल आप लोगों को बताऊंगा इस गाड़ी के बारे में। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूं उसके कलर ऑप्शन की, तो इसमें आप लोगों को 7 से 8 कलर ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ये जो कलर है काफी यूनिक कलर है। यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर ये कलर आप लोग डिटेल देख सकते हो, कितना प्रीमियम कलर लग रहा है। इस कलर का नाम है स्पॉट इन रेड, देख सकते हो आप लोग, काफी बढ़िया लग रहा है। इसमें आप लोगों को ऊपर तो आप लोगों को यहाँ पर रेड कलर देखने को मिलेगा और नीचे आप लोगों को इसमें सारा ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। ये जो गाड़ी काफी प्रीमियम लुक के साथ आती है एंड काफी बढ़िया लग रही है देखने में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये है इस गाड़ी की फ्रंट लुक। फ्रंट से इसके अंदर आप लोगों को जो क्रोम का यूज है वो देखने को मिलेगा। बाय द वे, इस गाड़ी के अंदर कुछ एडिशनल एसेसरीज भी लगी हुई है 30,000 रुपए की। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं क्या क्या इसके अंदर एसेसरीज लगी हुई है। इसके अंदर काफी सारी चीजें लगी हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर लगा हुआ है। मैं आप लोगों को बताता भी चलूंगा, वैसे आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं कितने का है टोयोटा से, ठीक है। कंपनी फिटेड एसेसरीज लगी हुई है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर सबसे पहले आप लोग इसकी ग्रिल देखेंगे तो हनीकॉम डिजाइन में जो इसकी ग्रिल है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो क्रोम गार्निशिंग आप लोग देख पा रहे हैं ये सब एडिशनल एसेसरीज का पार्ट है, एज एन एडिशनल एसेसरीज लगा हुआ है। ये जो इसके अंदर गाड़ी के अंदर आप लोगों को लगा हुआ मिलेगा, टोयोटा का लोगो आप लोगों को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप लोगों को मैट ब्लैक कलर में जो इसकी ग्रिल है ये सारी देखने को मिलेगी। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये भी सब इसके अंदर गाड़ी के अंदर आता है, लेकिन ये जो आप लोग पार्ट देख पा रहे हैं ना ये एडिशनल एसेसरीज का पार्ट है, ये जो नीचे लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इस गाड़ी के अंदर फुली एलईडी हेडलाइट आप लोगों को देखने को मिलती है। जी हाँ, इसके अंदर फुल एलईडी हेडलाइट आती है। ये जो पार्ट आप लोग देख पा रहे हैं ये एसेसरीज का पार्ट है, इसमें क्रोम एसेसरीज का। बाकी इस गाड़ी के अंदर फुल एलईडी आप लोगों को जो डीआरएल देखने को मिलेंगे, यही इसके एलईडी डीआरएल है और यही जो आप लोग देख पा रहे हैं इसमें इंडिकेटर में भी कन्वर्ट हो जाता है जब आप लोग इंडिकेटर देंगे तो, ठीक है। साइड से देखने में कुछ इस तरीके की गाड़ी की लुक आप लोगों को फ्रंट से देखने में मिलती है, चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। बात करते हैं इसके व्हील के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग जो व्हील देख पा रहे हैं इसके अंदर आप लोगों को अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे विद डिस्क ब्रेक। गुड ईयर के टायर इसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे। टायर प्रोफाइल अगर मैं आप लोगों से बात करूं 195/60R 16 inches के इसके अंदर आप लोगों को अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। और ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये भी एज एन एडिशनल एसेसरीज का पार्ट है इसके अंदर। और ये जो आप लोग पूरी गाड़ी पे ब्लैक क्लैडिंग देख पा रहे हैं ये आप लोगों को लगी लगाई मिलेगी इस गाड़ी पे, ठीक है। इसमें साइड ओवर व्यू आप लोग देख सकते हैं, ये बॉडी कलर में आप लोगों को मिलेंगे। ये आप लोगों को ऑटो फोल्डेबल एंड ऑटो एडजस्टेबल आप लोगों को देखने को मिलेंगे विद साइड टर्न एलईडी इंडिकेटर। ये आप लोग जो इसके सनवाइजर देख पा रहे हैं ये भी इसके अंदर एडिशनल एसेसरीज का पार्ट है। ये जो स्टेनलेस स्टील वाले आप लोगों को मिलेंगे, इसकी भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्रोम गार्निशिंग आप लोगों को मिलेगी, ये भी आप लोग देख सकते हैं। रिक्वेस्ट आंसर आप लोगों को दोनों साइड में देखने को मिलेगा फ्रंट में। बाकी नीचे से आप लोग देखेंगे तो ये इसकी क्लैडिंग एंड यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर ये जो क्रोम आप लोग देख पा रहे हैं ये भी एज एन एडिशनल एसेसरीज का पार्ट है, ये जो लगा हुआ है इसके अंदर क्लैडिंग वगैरह भी, ठीक है ना। अब आप लोग देखेंगे इसमें रूफ रेल्स वगैरह आप लोगों को गाड़ी के अंदर मिलती है। इस गाड़ी के अंदर सनरूफ नहीं आती है इसके किसी भी वेरियंट में एंड यहाँ पे आप लोगों को शार्क फिन एंटीना जो है ये भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसके अंदर मिलती है। ये वाला पेट्रोल वेरियंट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है, पेट्रोल है, मैनुअल वाला वेरिएंट है ये। और ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया एज एन एडिशनल एसेसरीज का पार्ट। अब आती है इसकी सबसे खूबसूरत लुक की बात, वो है इसकी रियर लुक। सबसे खूबसूरत लगती है वाली गाड़ी पीछे से देखने में। ये आप लोग जो स्पॉइलर का देख पा रहे हैं ना ये भी इसके अंदर एडिशनल एसेसरीज का पार्ट है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आप लोगों को मिलती है विद वॉशर डिफोकर वाइपर, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को टोयोटा का लोगो मिलेगा। फुल कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट आप लोगों को इसके अंदर दी जाती है, देख सकते हैं मतलब पूरी एलईडी आप लोगों को मिलेगी। सबसे बढ़िया लगती है चीज़ देखने में, है ना, काफ़ी बढ़िया लग रही है ना। बाकी इसके अंदर यहाँ पे आप लोगों को एक वाइड एंगल जो रियर व्यू कैमरा है ये भी देखने को मिलेगा। एलईडी लाइट ऊपर मिल जाएंगी। नंबर प्लेट लगाने की प्लेसमेंट मिलती है। अर्बन क्रूजर टाइजर 3D में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जी नियो ड्राइव की यहाँ पे 3D में ब्रांडिंग आप लोगों को मिल जाएगी। इधर की तरफ रिफ्लेक्टर आप लोगों को मिल जाएंगे। बाकी 1, 2, 3, 4 इसके अंदर आप लोगों को रिवर पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिलेंगे। और ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये भी इसके अंदर एडिशनल एसेसरीज का पार्ट है, जैसे कि आगे लगा हुआ है पीछे भी आप लोगों को लगा हुआ मिलेगा जो कि लुक को काफ़ी एनहेंस कर रहा है। और ये सब इसके अंदर आता ही है पीछे से। पहले चेकआउट कर लो इसके लुक, बढ़िया लग रही है लुक इसकी। साइड से एक बार और आ जाओ। कलर सबसे बढ़िया भाई, मेरे को कलर लग रहा है इसका, कलर जो काफ़ी ज़्यादा निखर के आ रहा है इस गाड़ी पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंटीरियर के बारे में। अब इंटीरियर के बारे में आने से पहले एक बार इसका डोर आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। डोर जो बस इसका इतना ही खुलता है, बहुत ज़्यादा वाइड एंगल डोर नहीं खुलता इसका। यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर ये सब आप लोग लेदर देख सकते हैं, लेदर फिनिशिंग आप लोगों को मिलेगी। इधर की तरफ भी आप लोगों को लेदर मिलेगी। इसके बेस एंड में सॉफ्ट टच आता है, इसमें लेदर टच है। यहाँ पे आप लोगों को ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग मिलेगी। चारों पावर विंडो आप लोगों को मिलेगी। ऑटो फोल्डेबल एंड ऑटो एडजस्टेबल आप लोगों को इसके अंदर जो बटन है वो दिए दिए गए हैं साइड ओवरव्यूम्स के। वन क्लिक लॉक अनलॉक आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। चारों यहीं से बंद हो जाएंगे दरवाजे, चारों यहीं से खुल जाएंगे। और ये वाला जो बटन है साइड वाली विंडो को
लॉक अनलॉक करने के लिए आप लोगों को मिलेगा। एक बॉटल होल्डर कैपेसिटी मिल जाएगी, बाकी लाइट वाली आप लोगों यहाँ पे जो स्कफ प्लेट है वो देखने को मिलेगी गाड़ी के अंदर। ये भी दोनों एस एन एडिशनल एसेसरीज के पार्ट है इसके अंदर लगे हुए, ठीक है। ये है इसका इंटीरियर, जो सीट कवर्स हैं ये भी लगे हुए हैं इसके अंदर, लेदर वाले सीट कवर लगे हुए हैं। एंड ये एयरबैग वाली गाड़ी है तो इसके अंदर आप लोगों को सीट में एयरबैग जो देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को जो सीट कवर्स हैं वो देख सकते हो आप लोग कुछ इस तरीके के आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। एक बार अंदर से बैठ के इसकी इंटीरियर की लुक भी आप लोगों को चेकआउट करा देता हूँ। अंदर बैठने के बाद जो भाई लुक है गाड़ी की कुछ इस तरीके की आएगी, देख लो एक बारी, कुछ इस तरीके की लुक आप लोगों को मिलेगी इस गाड़ी में बैठते साथ ही। इधर की तरफ भी आप लोगों को ज्यादा खास बटन जो देखने को नहीं मिलेंगे, इधर की तरफ भी आप लोगों को इसमें या बाकी यहाँ पे आप लोगों को 8 इंच की छोटी सी स्क्रीन आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका आप लोग देख सकते हैं, ये भी आप लोगों को एनालॉग ही मिलेगा, कोई खास बड़ा फीचर नहीं है इस गाड़ी के अंदर ऐसा। बाकी यहाँ पे आप लोगों को इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी देखने को मिलेगा। मेरे पास अभी गाड़ी की चाबी नहीं है, वो यही कह रहा है की फॉब मेरे पास नहीं है तो वो अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को ऑटो एसी डिजिटल एसी देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ पे आप लोगों को पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलेगी, इधर की आप लोगों को पियानो सिल्वर फिनिशिंग आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे आप लोगों को कोई भी टिकट होल्डर है देखने को नहीं मिलेगा, इधर की तरफ आप लोगों को एक वैनिटी मिरर मिल जाएगा। आप लोग इसके सिल्वर जो है इसके एसी वेंट्स देख सकते हैं, बीच में आप लोगों को क्रोम टच देखने को मिलेगा, इधर आप लोगों को वायरलेस इसमें फोन चार्जिंग देखने को मिलेगा, दो कप होल्डर, मैनुअली गियरबॉक्स आप लोगों को मिलेगा इसमें। ये वैसे जो गाड़ी है ऑटोमेटिक में भी आती है, सेम वेरिएंट जी वेरिएंट जो ऑटोमेटिक में भी आता है, ठीक है, जिससे 60-65 हज़ार रुपए इससे महंगा आप लोगों को मिलेगा एएमटी वेरिएंट। बाकी यहाँ पे आप लोगों को हैंडब्रेक देखने को मिलेगी, और ये जो इसका हैंडरेस्ट है ये आप लोगों को एडजस्टेबल देखने को मिलेगा, एंड ये ओपन भी हो जाएगा, तो इसमें छोटा सा स्पेस आप लोगों को दिया गया, आपका एक वॉलेट भी मुश्किल से आएगा इसके अंदर, इतना छोटा आप लोगों को ही मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप लोग अपना छोटा मोटा सामान कैरी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सीट वगैरह मैंने आप लोगों को दिखा दी है किस तरीके की आप लोगों को मिलती है, आगे से मैंने लुक दिखा दी है, ये आप लोगों को मैनुअली मिलेगा रियर व्यू मिरर। बाकी पीछे से आप लोग देखेंगे तो पीछे से कुछ इस तरीके की आप लोगों को इसमें जो लुक है देखने को मिलेगी। बाकी ये है इसकी रियर सीट, 60-40 स्प्लिट सीट इसके अंदर आप लोगों को मिल जाती है, और बाकी सीट वगैरह आप लोग देख सकते हैं सीट कवर किस तरीके के आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी ये है इसकी बूट्स पे, 60-40 स्प्लिट सीट आप लोगों को मिलेगी, एक पार्सल ट्रे आप लोगों को इसके अंदर दी गई है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को लाइट का जो एंट्रेंस है वो दे दी गई है, यहाँ पे आप लोग लाइट भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये भी मिलेगा। बाकी जो इसका स्पेयर व्हील है वो भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, वो भी आप लोगों को 16 इंचेस का देखने को मिलेगा, और ये आप लोगों को स्टील व्हील्स में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों को इस गाड़ी के जो एक्चुअल प्राइस देखने को मिलेगा वो है 10,55,500 रुपीज़, 10,55,500 रुपये जो इसका एक्चुअल प्राइस है। और ऑनवर्ड की बात करूँ तो ये आप लोगों को अप्रोक्स 12,30,000 रुपये के आसपास जो है देखने को मिलती है दिल्ली में, ठीक है। बाकी इस गाड़ी के इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, 3 सिलेंडर इंजन है इस गाड़ी के अंदर, जो कि 99 BHP की पावर निकालेगा विद 147 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, टर्बो चार्ज इंजन है फ्रेंड्स ये। एंड यहाँ पे आप लोगों को जो पावर है वो बहुत अच्छी मिलती है, गाड़ी को चलाने के बाद आप लोगों को फील नहीं होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ 3 सिलेंडर इंजन है। तो ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस गाड़ी के बारे में, फुल डिटेल आप लोगों को दे चुका हूँ। बाकी अगर जो उसकी एसेसरीज आप लोग दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्या क्या एसेसरीज इसके अंदर लगी हुई है। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था, गाड़ी बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था, चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।